हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर 2 से 3 साल की बच्ची के लिए बेबी फ्रॉक बनाएंगे छोटे छोटे पीसेज से। इसकी लंबाई है 22 इंच, 4 फोल्ड में इसकी चौड़ाई है 7 इंच। साइड में से कट कर देंगे, 7 इंच की चौड़ाई रखेंगे इसकी, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। ये कपड़ा जो साइड में निकला है इसको 4 फोल्ड करके रखेंगे। छोटी छोटी इसकी साइड में हमें कलियाँ कट करनी है बाद में। ब्लैक कपड़े में से 7 इंच चौड़ा और 22 इंच लंबा हमें एक पीस कट करके निकाल लेना डबल फोल्ड में। इसको हम कट करके 2 पीस बना लेंगे। अब इसको 4 फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच ऊपर चढ़ा के रख के इस कपड़े को 4.5 इंच पे तीरे का निशान लगाएंगे, 5 इंच आर्म होल्स का निशान लगाएंगे। इन लाइनों को सीधा कर देंगे, 1 इंच की गोलाई देंगे आर्म होल्स में। चेस्ट का नाप लेंगे 7 इंच पर और कमर लेंगे 6 इंच और इस प्रकार से मार्किंग कर देंगे। छोटी छोटी कलियां साइड के लिए कट करके निकाल लेंगे। इस प्रकार से ड्रॉ कर देंगे, नीचे गोलाई दे देंगे 2 इंच की और यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। अब हम इस साइड वाली इन बंद कलियों को अलग कर लेंगे, 4 कलियाँ बन जाएंगी ये। तो हमें आगे वाले पार्ट को अलग कर देना है निकाल कर। 2 कली छोटी उठाएंगे, 2 बड़ी उठाएंगे और बीच वाले पार्ट में से 1 पार्ट उठा के अलग कर देंगे और बड़ी कलियों को ऐसे रखेंगे बीच वाले पार्ट के ऊपर और सिलाई लगा देंगे। दूसरी कली को भी इस प्रकार रखेंगे उल्टी और सिलाई लगा देंगे। अब इनको सीधा करेंगे और इनके ऊपर हम छोटी कलियाँ रखेंगे, सीधी साइड दोनों के अंदर हैं और इस प्रकार से सिलाई लगा कर हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमें गले की कटिंग करनी है, तो डबल फोल्ड में रखकर 2 इंच चौड़ाई लेंगे और 3 इंच लंबाई लेंगे। आगे और पीछे दोनों गले एक समान कर रही हूँ मैं। गोलाई देकर कॉर्नर पर कट कर देंगे। अब हमें छोटे छोटे पीसेस कट करने हैं, 2 इंच चौड़े और 2 इंच लंबे हैं ये। खूब सारे ढेर सारे मैंने पीसेस कट कर लिए हैं। अब पूरे शेप में हमें छोटी छोटी ये पट्टियाँ कट करनी है जो कि हमें गले में फिनिशिंग देने के काम आएंगी। तो जो हमने छोटे छोटे पीसेस कट किए थे उनको इस प्रकार से ट्रायंगल शेप देते हुए इनके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सारे पीसेस को इसी प्रकार से हम सिल लेंगे। देखिए, सारे पीसेस सिलने के बाद इनको अलग कर लेंगे सबको। अब बीच वाले पार्ट को आगे वाले पार्ट को रखेंगे और इसके ऊपर ये इस प्रकार से रखेंगे अंदर की साइड कॉर्नर करते हुए और 2 पॉइंट दूसरी पत्ती के ऊपर चढ़ाते हुए इस प्रकार से हम सारे पीसेस लगा लेंगे। दूसरी साइड भी इसी प्रकार से लगा लेंगे पूरे में। अब हमें कली लगानी है इसके ऊपर, तो सीधी साइड से अंदर की साइड 2 पॉइंट कपड़ा दबाते हुए इस प्रकार से इसके ऊपर लगाएंगे। एक ही सिलाई में काम हो जाएगा हमारा, टॉप स्टिच हो जाएगी ये। अब छोटी कली इसके ऊपर ज्वाइंट कर लेंगे, इसी प्रकार से दूसरी साइड का पार्ट भी ज्वाइंट कर लेंगे इसका। ये पीछे वाला पार्ट है, पीछे वाले पार्ट पे मैंने कली ज्वाइंट नहीं की थी तो अभी कली ज्वाइंट कर लेंगे। अब हमें पीछे वाले पार्ट को डबल फोल्ड करके बैक पार्ट पे इस प्रकार 3 इंच पे मार्किंग करके यहाँ से कट कर लेंगे। यहाँ पर हम एक लूप रखेंगे इस प्रकार से, ये देखिए 1/2 इंच ऊपर से गले की तरफ से छोड़ते हुए कपड़ा, फिर ये पट्टी रखेंगे इसके ऊपर और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद कॉर्नर में छोटे छोटे कट लगाएंगे। ये हम इसीलिए बनाते हैं ताकि बेबी के सिर में आने में इजी रहे, छोटा ना पड़े नेक। इसको अंदर की साइड दबाएंगे इस पट्टी को और इसके ऊपर डबल सिलाई लगाकर इसको सेट कर देंगे। इसके ऊपर हम आगे वाले पार्ट को रखेंगे सीधी साइड दोनों के अंदर और शोल्डर ज्वाइंट कर देंगे। अब ये जो पट्टी हमने कट की थी पतली, इसको हम उल्टी साइड हमारा कुर्ती फ्रॉक का रखेंगे और इसके ऊपर हम इस पट्टी को इस प्रकार से रखेंगे।
उल्टी साइड ऊपर है इस पट्टी की और पूरे में ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद पूरे राउंड में छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब सीधी साइड पलट लेंगे फ्रॉक को और इस पट्टी को इस प्रकार से दबाएंगे यहाँ पर, और बाहर की साइड पलटते हुए इसको पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस प्रकार से गला रेडी हो जाता है। अब हमें इसको उल्टा रखना है और मैंने दो ब्लैक पट्टी कट की है रेप शेप में, और इससे हम शोल्डर में फिनिशिंग देंगे। जिस प्रकार गले में दी है उसी प्रकार से हमें शोल्डर में भी फिनिशिंग देनी है। उल्टी साइड लगाकर पट्टियों को सीधी साइड इस प्रकार से पलट लेंगे, इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब इसको पलट देंगे और इसके ऊपर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे दोनों साइड, एक एक इंच कपड़ा छोड़ते हुए, और नीचे से इस प्रकार से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। उसके बाद जो हमारे पास छोटी सी लेस थी, उस लेस को हम आगे की साइड लगाएंगे, पूरे में नहीं आएगी। और इस प्रकार से ये हमारा बेबी फ्रॉक बनकर रेडी हो जाता है। दो मैंने इसमें बटन लगाए हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।